नमस्कार प्रणाम हर हर महादेव। मनीष सहिराना एगो राइटर है भैया, खेसारी लाल यादव के फैंस भी कहे जाते हैं। लेकिन एगो बात बता दें आपको, जब से खेसारी लाल यादव का गाना आया ईका करेलू, इस गाने पे जब से विवाद हुआ है, तब एगो हमको भैया गाना लिख के दिया मनीष सहिराना, जी हाँ, काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव के मैटर पर। और उस गाने का भैया म्यूजिक भी हम बना के तैयार कर लिए हैं, लेकिन म्यूजिक थोड़ा अच्छा अटपटा सा है, म्यूजिक हम ही बनाए, अच्छा नहीं बना है। लेकिन गाने का लिरिक्स, गाने का एक शब्द भैया एकदम धनिया बूंद देने वाला है, धांस देने वाला है भैया, समझे ना। तो सोच रहे हैं उस गाने को गाएं, बहुत दिन से सोच रहे हैं। लेकिन इस टाइप से फालतू इंटरव्यू जब देख रहे हैं भैया, तो हम लोग को लगता है कि नहीं, एक बार गानवा गा देना चाहिए भैया, सोच रहे हैं। खैर, गानवा गाएं कि नहीं गाएं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा भैया इस बारे में कि गानवा गाएं कि नहीं गाएं। हाँ, ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि काजल राघवानी एगो चैनल में है, चैनल का नाम भैया ABP लाइव, जिस चैनल में भैया 29 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, उस चैनल में इंटरव्यू दिया है, समझे ना। और इंटरव्यू जो है भैया, सोच लीजिए, इंटरव्यू एक घंटा में 5070 को गया है व्यूज, और सब्सक्राइबर है 29 मिलियन, और लाइक जानते हैं भैया 1900 लाइक है, जी हाँ। खेसारी लाल यादव के बारे में इतना लंबा चौड़ा लिफाफा, खेसारी लाल यादव को बदनाम कर दी, ये कर दी, वो कर दी, और मात्र व्यूज कितना गया है कर लो 5000, और लाइक है भैया 1900। वहीं महेश पांडे ने खेसारी लाल के सपोर्ट में काजल राघवानी को रगड़ दिया, तो स्क्रीनशॉट देखिए हमारा, एक घंटा में 5153 गो व्यूज है, और लाइक है भैया 2300 एक घंटा में, और महेश पांडे के चैनल में मात्र 5 लाख सब्सक्राइबर है, और काजल राघवानी ने जिस चैनल पे इंटरव्यू दिया उसमें भैया 29 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। आपको बता दे काजल राघवानी, जब आपको फेमस होना है, जब इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू देकर आपको विवादे में रहना है, विवाद में तो देखा है, जब आपको खेसारी लात मार के भरा भगाया उस तब आप शांत थे, अब आपको खाने का रोजी रोटी नहीं मिल रहा तो खेसारी लाल को बदनाम कर रहे हैं, विवाद में रहना चाह रहे हैं, यही ना हो रहा है। तो यदि आपको फेमस होना है तो खेसारी लाल यादव का जितना यूट्यूबर है उसको इंटरव्यू दीजिए, समझे ना, तुरंत फेमस हो जाइएगा। 29 मिलियन में 29 मिलियन वाला सब्सक्राइबर चैनल में आपको कोई वैल्यू नहीं है। यदि आपको प्रमोट होना है तो खेसारी लाल यादव के यूट्यूबर के पास चले जाइए, धन से आपको प्रमोट करेगा, आपका रोजी रोटी तो जरूर चलने लगेगा, समझे ना। अब अपना 29 मिलियन वाले चैनल में आप इंटरव्यू दिए हैं, और आपका इंटरव्यू से ज्यादा अभी एक घंटा अभी हो रहा है, एक घंटा में आपका इंटरव्यू का ये हालत है, और महेश पांडे आपको रगड़ दिया खेसारी लाल के सपोर्ट में। देखिए, आपसे ज्यादा महेश पांडे का व्यूज है, आपसे ज्यादा महेश पांडे का चैनल पे लाइक है, समझे, इसको कहते हैं पावर। अब देखिए बाद में क्या होता है नहीं होता है व्यूज का उन्हें पता, लेकिन एक घंटा में तो अभी धनिया बुना गया भैया। खैर, ये वीडियो मेरा बनाने का यही मकसद था भैया, कि काजल राघवानी का जब इंटरव्यू देखे ना भैया, तो सजेशन में महेश पांडे का भी वीडियो आया, तो महेश पांडे का देख रहे एक घंटा में चल गया है 5153 को व्यूज, और लाइक है 2300। वहीं काजल राघवानी का 5070 को व्यूज है और 1900 लाइक है, बताइए। तब तक काजल राघवानी से ज्यादा नाम फेम महेश पांडे का है भैया, ऐसा हमको लगता है। खैर, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और बाकी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और बहुत सारा अनाप शनाप काजल राघवानी ने ज्ञान दिया है तो उनको भी कल ज्ञान दिया जाएगा। आज रात बज गया भैया 10:30 बजे तक ये वीडियो अपलोड होगा। खैर, इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा, आपका जो राय हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी फिर मिलता है अगली वीडियो में, धन्यवाद, आई लव यू, जय जय श्री राम।